इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दो पर नागपुर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गडकरी धमकी मामला सौंपा जाएगा एनआईए को, डीआईजी ने जांच के संबंध में की समीक्षा। लापता युवतियों महिलाओं को खोजने में पुलिस सफल, 5 वर्षों में 8,882 लापता, 8,501 को पुलिस ने निकाला खोज। और जिला परिषद को टेंडर रद्द करना पड़ा महंगा, अदालत की अवमानना, विरोधियों ने की कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने और फिरौती मांगने वाला जयेश पुजारी नागपुर जेल में है। इस मामले में एनआईए की टीम जांच करने के लिए गुरुवार को नागपुर पहुंची। डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों ने इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी ली। नागपुर की टीम ने जांच पूरी कर ली है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर जयेश का मामला एनआईए को सौंप दिया जाएगा। जयेश पुजारी को नागपुर पुलिस ने बेंगलुरु जेल से गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने गहन जांच के बाद उसे नागपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उस पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने या उकसाने के अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में एनआईए की टीम गुरुवार को नागपुर आई। सुबह डीआईजी और एसपी रैंक के दो अधिकारियों ने पुजारी मामले में जांच की समीक्षा की। जांच में प्रगति दिखाई दी, बहुत कुछ पक्का हो गया। इस आधार पर एनआईए को आगे की जांच सौंपी जाएगी। लापता युवतियों और महिलाओं को खोजने में नागपुर पुलिस अव्वल है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर कार्य करने के परिणाम स्वरूप पुलिस को सफलता मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में इस शहर में 8,882 महिलाओं और युवतियां गायब हुई, जिनमें से 8,501 को खोज निकालने में पुलिस की सफलता सामने आई है। यह आंकड़े राज्य में काफी बेहतर है। 381 महिलाओं को ही पुलिस नहीं खोज पाई। शहर में अत्याचार या कम उम्र की युवतियों को गायब करने की कई खबरें आती रहती है। महिलाओं और युवतियों के गायब होने से परिजनों की स्थिति भी खराब होती है। पुलिस पर भरोसा कर वे शिकायत दर्ज कराते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। 2019 से मई 2023 तक 7,413 महिलाएं और 1,469 कम उम्र की लड़कियां गायब होने की शिकायत पुलिस को मिली थी। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार द्वारा गठित मानव तस्करी विरोधी पथक ने इस संकट को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। स्वतंत्र रूप से जांच करने के कारण उन्होंने बेहतर परिणाम भी दिखाए हैं। हाल ही में जारी की गई टेंडर प्रक्रिया को रद्द नहीं करने का आदेश होने के बावजूद जिला परिषद की ओर से उसे रद्द कर दिया गया। अब टेंडर रद्द करने का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग विरोधी दल ने की है। 30 से 54 अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए थे। टेंडर की टेक्निकल बिड भी खोली गई थी, केवल वित्तीय बोली होना बाकी थी। ऐसे में जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गोरकर ने इन सभी टेंडर को रद्द कर नई प्रक्रिया करने के आदेश दिए। विशेषता इन सभी कामों को सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा था। इसी बीच एक ठेकेदार की याचिका पर जिला परिषद को न्यायालय की अवमानना होने का नोटिस प्राप्त हुआ, जिसे लेकर गुरुवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गुरुवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में विरोधी पक्ष नेता आतिश उमरे और नाना कंभाले ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने टेंडर रद्द नहीं करने के आदेश दिए थे, तो प्रशासन ने टेंडर रद्द करने की प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ाई। विरोधी दल के आक्रामक रूप को देखते हुए हड़बड़ाए प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा ने कहा कि विधि सलाहकार का सुझाव लेने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खबर दोपहर नागपुर में, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गहनों के बिना महिलाओं का साज, श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए
सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है, तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर मानेवाड़ा रोड नागपुर, संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404197 द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट ट्रेन राइड भी। साथ ही यहां आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइंड डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बैंक्वेट हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुर दास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल, फैसिलिटीज लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं नागपुर की अगली खबरें। पारिवारिक न्यायालय द्वारा पत्नी को 30,000 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता देने के आदेश 5 अप्रैल 2023 को जारी किए गए। इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश उर्मिला जोशी फाल्के ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि 30 जून 2023 तक निधि जमा करने में याचिकाकर्ता विफल हो जाता है तो गिरफ्तारी वारंट जारी होने की चेतावनी दी। याचिकाकर्ता की ओर से स्वयं रजनीश नायडू और प्रतिवाद पत्नी की ओर से अधिवक्ता सुरभि गोडबोले ने पैरवी की। याचिकाकर्ता के अनुसार 18 दिसंबर 2011 को उनका विवाह हुआ था। 10 जनवरी 2013 को उन्होंने संतान को जन्म दिया। 2013 में ही पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ता पति की ओर से बताया गया कि 24 नवंबर 2022 तक 5,75,000 रुपए बकाया था, जबकि पत्नी का मानना है कि 10,25,000 रुपए ही बकाया है। दोनों पक्षों की दलीलें के बाद 1,75,000 रुपए 30 जून को पूर्वदा करना था। सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर रोक भी नहीं लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें के बाद अदालत ने उक्त आदेश जारी किया। मोजा आड़का अंतर्गत नागपुर नागभीड़ रेलवे नैरोगेज को ब्रॉडगेज करने का काम पी वेंकटरमैया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है। कंपनी द्वारा अवैध रूप से मुरूम डंप करने के 10 एकड़ से अधिक जमीन तालाब सदृश हो गई। इससे समीप किसान पुरुषोत्तम खोड़के की 2 एकड़ खेती भी तबाह हो गई। अब गुरुवार को विश्वनाथ शिंडी नामक वृद्ध की इस तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया। इस संबंध में जानकारी मिलते ही जिला परिषद की महिला व बाल कल्याण समिति सभापति प्राध्यापक अवंतिका लेकुरवाड़े घटनास्थल पर
पहुंची। बताया गया कि गत 2 वर्षों से इस क्षेत्र में अवैध रूप से खुदाई का काम शुरू है। लिकुरवारे ने इस संबंध में मामला उठाते हुए प्रशासन व जिलाधिकारी को शिकायत की थी। उप विभागीय अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, DYSP आदि को फोन पर इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर, पंचायत समिति सभापति दिशा चनकापुरे, पंचायत समिति उपसभापति दिलीप पंजारी, पूर्व उपसभापति आशीष मल्लेवार, आड़का के सरपंच विजय खोड़के, केम के सरपंच अतुल बालबुदे भी वहां पहुंचे। मांगे पूरी नहीं होने पर लाश को हाथ नहीं लगाने देने की बात कहते हुए आंदोलन शुरू किया गया। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा जारी है। बुधवार को इस परीक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। BSW के 6ठे सेमेस्टर के विद्यार्थी जब सुबह 9:30 बजे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे तो प्रश्न पत्र देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल इन विद्यार्थियों को पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र थमा दिए गए थे। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की तो नए पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में 2 घंटे तक का समय निकल चुका था। इस भीषण गर्मी में इस तरह इंतजार करते हुए विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि बुधवार को BSW की भाषा विषय की परीक्षा थी। इसमें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का समावेश है। यही गड़बड़ी मराठी भाषा के पेपर में हुई। विद्यार्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र देखकर साफ पता चल रहा था कि गड़बड़ी की शिकायत करने के बाद आनंद फानंद में यह नए प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। इस गलती के कारण VV की लचर कार्य प्रणाली पर एक बार फिर खुलकर सामने आई। तो वही डॉक्टर प्रफुल्ल साबले, परीक्षा नियंत्रण नागपुर विश्वविद्यालय के मुताबिक पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र देने की गलती हुई है, लेकिन इसे फौरन सुधार भी लिया गया। परीक्षा शुरू करने में थोड़ा समय हुआ, लेकिन हम किसी भी विद्यार्थी का नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के साथ खबर दोपहर नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV24। नमस्कार। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahale and Mr. Jay Edlivar provides you best teaching methods. IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.